नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने लोकपाल और लोकायुक्त को देखा, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाएं थीं। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं भारतीय संघ की प्रकृति, कि भारतीय संघ की प्रकृति कैसी है, और इस यूनिट में हम पूरा देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों की क्या स्थिति है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, केंद्र राज्य विधायी संबंध कैसे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम, वित्तीय संबंध कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चूँकि केंद्र राज्य न्यायिक संबंध नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है, एकीकृत है। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है, पर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध दोहरे स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर पाए जाते हैं। सॉरी, तो आज का टॉपिक हम लेते हैं भारतीय संघ की प्रकृति। भारतीय संघ की प्रकृति, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार की है, संघात्मक है या एकात्मक है, है ना। तो ये जो, सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रकृति है उसका जो निर्धारण होता है वो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस प्रकार का है। अगर केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन है ही नहीं, और संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास हैं और राज्य के पास कुछ भी शक्तियां नहीं है, राज्य केवल नाम मात्र के हैं, तो ऐसी व्यवस्था को एकीकृत या एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। कहीं केंद्र और राज्य के मध्य बराबर शक्तियां होती हैं, हम बात करें अगर 50-50 के अनुपात में शक्तियां होती हैं तो उसे हम परिसंघीय प्रणाली कहते हैं। अगर 80-20 के अनुपात में होती है, कि मान लीजिए अधिक शक्तियां केंद्र के पास हैं और राज्य के पास शक्तियां तो हैं पर केवल कुछ मात्रा में है, तो इसे हम संघात्मक व्यवस्था, सॉरी अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि पूरी शक्तियां केंद्र के पास है, राज्य के पास कुछ भी शक्तियां नहीं है, तो इसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कह देते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की शासन व्यवस्था की, तो अमेरिका में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बराबर के अनुपात में बटी हुई है, क्योंकि जो अमेरिका है वो राज्यों से मिलकर बना है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर 50 स्टार बने हुए हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ 50 राज्य हैं, वहाँ राज्यों की संख्या को ना तो कम किया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अब भारत में देखें, भारत में लगभग हर दूसरे साल में एक राज्य का निर्माण हो जाता है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका में केंद्र के द्वारा राज्य के नाम में परिवर्तन बिना राज्य की अनुमति के संभव नहीं है। जब तक राज्य, मतलब सीमा में परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है, नाम में भी परिवर्तन करना है तो बिना राज्य की अनुमति के परिवर्तन नहीं हो सकता। राज्यों के अपने न्यायालय हैं और राज्यों के न्यायालय के विरुद्ध केंद्र में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये अमेरिका की व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका में केंद्र का कोई भी कानून राज्य पर तभी लागू होगा जब राज्य इसकी अनुमति प्रदान करेगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। अमेरिका के राज्य जब चाहें अमेरिका से अलग हो सकते हैं और अपना एक अलग राष्ट्र बना सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की जो संघीय प्रणाली है वो राज्यों के समझौते से मिलकर बनी है, इसीलिए अमेरिका के संबंध में कहा जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। मतलब वहां राज्यों को तो कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता है, लेकिन संघ का विनाश किया जा सकता है। मतलब कभी भी अमेरिका
समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपने देखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है वो राज्यों से मिलके बना है ना, इसीलिए कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी भी भारत के संबंध में आपने नहीं पढ़ा होगा कि संयुक्त राज्य भारत, भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब हमारे यहाँ राज्यों का तो विनाश किया जा सकता है पर संघ का विनाश किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत हो गया। लेकिन अगर हम भारत की संघीय प्रणाली की बात करें तो भारत में वास्तव में संघीय की जगह अर्धसंघीय प्रणाली पाई जाती है। जैसे संविधान का अनुच्छेद एक कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किंतु जब हम व्यवहार में देखते हैं तो भारत संघ का उदाहरण ना होकर अर्धसंघ का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमने राज्य को शक्तियां तो दी हैं किंतु बहुत कम मात्रा में, या हम बात करें नाम मात्र की शक्तियां दी। हमारे यहाँ अगर शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो 80-20 का अनुपात है। पूरी शक्तियां कहाँ झुकी हुई हैं? केंद्र की तरफ। इस पूरी यूनिट में आप यही देखेंगे कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो जब आप ये पूरा आपकी यूनिट हो जाएगी, जब हम इसके प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध देखेंगे केंद्र राज्य के मत, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो शक्तियां हैं वो पूरी कहाँ झुकी हुई हैं, केंद्र की तरफ। राज्य को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, वो भी नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त। तो ये थी भारतीय संघ की प्रगति। यानी मैं बात करूंगी भाई भारतीय संघ कैसा है, अर्धसंघात्मक। यहां मैं थोड़ा ब्रिटेन की भी बात करूं या कनाडा की बात करूं तो कनाडा में भी जो शक्तियां हैं वो केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संघ की प्रगति जो है अमेरिका की बजाय कनाडा के संविधान से ज्यादा मैच करती है। एकात्मक की बात करूं तो एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां एक ही संविधान होता है, एक ही न्याय प्रणाली होती है, ठीक है, पूरी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, विधायी, प्रशासनिक, वित्त, तो न्यायिक, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, है ना। ब्रिटेन कैसे शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहां कुल मिलाकर राज्यों को कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। वो जो संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ दोहरा संविधान, दोहरी न्यायपालिका, दोहरा निर्वाचन, दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी संघीय और एकात्मक की बात। अब हम देखेंगे भारतीय संघ की प्रकृति के संबंध में। तो सबसे पहले हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जान लें। संघात्मक शासन व्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से होता है जहां केंद्र व राज्यों के बीच सांवैधानिक शक्तियों का विभाजन पाया जाता है ना। जैसा कि मैंने बताया कि भाई जब एकात्मक होता है वहां पर तो राज्यों के कोई शक्तियां नहीं दी जाती, तो विभाजन की बात ही नहीं होती है। पर तो जो संघीय हो वहां पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। यहां संविधान की सर्वोच्चता होती है, वह सरकार दो स्तरों में विभाजित होती है, केंद्रीय स्तर व राज्य स्तर। साथ ही दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान, निर्वाचन, लेखा परीक्षण व प्रशासन के संबंध में दोहरा तंत्र काम करता है, मतलब केंद्र का भी और राज्य का भी। जैसे निर्वाचन आप बात करें, केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके यहाँ कार्य करता है और राज्य निर्वाचन आयोग भी कार्य करता है। लेखा परीक्षण की बात करें तो आपके यहाँ IRS भी होते हैं और राज्य लेखा अधिकारी भी होते हैं, है ना, ACTO वगैरह जो बनते हैं, या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो PSC के थ्रू भर्ती लेता है। तो केंद्र और राज्य दोनों में, दोनों स्तर पर कार्य करते हैं। प्रशासन में भी बात करें तो IPS, IAS है, ये सब केंद्रीय हैं। और राज्य में अगर बात करें तो राज्य की भी सेवाएं होती है, PSC के थ्रू इनकी भर्ती होती है। तो दोहरा तंत्र यहाँ पर कार्य करता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को आलोचकों के द्वारा अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि
भारत के संविधान में ये जरूर लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, लेकिन वास्तव में ये राज्यों का संघ ना होके अर्ध संघात्मक व्यवस्था है ना। भारत का जो संघवाद है एक विशिष्ट संघवाद, जब हमने टोटल कॉपी पेस्ट नहीं किया, मुझे कि ये बात रही, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमने किसी व्यवस्था को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने विदेशों से जरूर व्यवस्थाएं ली हैं, पर हमने उन्हें कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति या हमारे राष्ट्र के नेचर के अकॉर्डिंग, हमारे राष्ट्र के कल्चर के अकॉर्डिंग हमने उसको कहीं ना कहीं मोल्ड किया है, हमारे इतिहास के अकॉर्डिंग हमने कहीं ना कहीं उसको मोल्ड किया है ना। तो इसीलिए भारत का जो संघवाद है विशिष्ट संघवाद है, जो अमेरिका के संघवाद की तुलना में कनाडा के संघवाद के अधिक निकट है ना। अमेरिका की वजह कहाँ निकट है, कनाडा के अधिक निकट है, जिसमें केंद्र व राज्य के मध्य क्या पाया जाता है, शक्ति का विभाजन करते हुए भी केंद्र को प्रमुखता दी गई है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन प्रमुखता किसे दी गई है, राज्यों को दी गई, केंद्र को दी गई है। ठीक, शक्ति का विभाजन होने के बावजूद जो प्रमुखता है हमारे यहाँ राज्यों को, केंद्र को दी गई है। ये थी हमारे यहाँ की संघ की प्रकृति। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत प्रारंभ से ही एकात्मक राज्य रहा है। मतलब आपको ध्यान हो तो इतिहास में आपने पढ़ा हो तो दिल्ली में शासन चलता था और पूरे राष्ट्र का शासन उसी के अकॉर्डिंग चलता था जब मुगल शासन आया, या उससे पहले भी अगर हम बात करें मौर्यों का शासन, गुप्त का शासन, तो कहीं ना कहीं भारत एकात्मक राज्य रहा है। सेंट्रल शासन भारत में रहा है एकात्मक रूप से, यहाँ छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व उस स्तर पर नहीं रहा जैसा कि अन्य राष्ट्रों में रहा है। तो भारत में संघ का निर्माण अमेरिका की भांति स्वतंत्र देशों के समझौते से नहीं हुआ है। जैसे कि हमने बताया कि अमेरिका में जो 50 राज्य हैं वो अपने आप में राष्ट्र थे, और जब वो स्वतंत्र हुए तो उनने मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ शुरू से ही भारत एक एकात्मक राज्य रहा है, एकात्मक राष्ट्र रहा है, और इसको विभाजित करके हमने क्या बनाया है, भारत बनाया है। जैसे हमने कई राज्य बना दिए, मध्य प्रदेश राज्य बना दिया, राजस्थान बना दिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राज्य हमने बना दिए। तो अगर हम हमारे यहाँ की प्रगति की बात करें और हमारे राष्ट्र की प्रकृति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है कि भारतीय संघ में शक्ति विभाजन केंद्र की ओर झुका है। अच्छा, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि भारत की प्रकृति एकात्मक है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को एकात्मक राज्य बनाती हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है तो भी आपको उत्तर यही लिखना है कि भाई ये निम्न विशेषताएं हैं जो बताती है कि भारत में एकात्मक व्यवस्थाएं भी पाई जाती हैं, जिसमें पहली मैं बात करूं तो भारतीय संघ में शक्ति विभाजन केंद्र की ओर झुका है, भारत में एकल संविधान की व्यवस्था है। जैसा कि बताया मैंने, भारत में केवल एक ही संविधान है, केंद्र का संविधान है, राज्यों के अपने संविधान नहीं है, है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश का संविधान है या महाराष्ट्र का संविधान है, गोवा का संविधान है। हमारे यहाँ संविधान कैसा है, एकल, और संविधान की सर्वोच्चता। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है। जैसा कि नागरिकता वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्र का नागरिक है और राज्य का निवासी मात्र है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ के नागरिक हैं तो आप कहेंगे कि मैं भारत का नागरिक, आपसे पूछू आप निवासी कहाँ के, तब आप बताएंगे कि भाई मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश में विदिशा का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश में इस जिले का निवासी हूँ, है ना। तो जैसे कि आप बताए निवास प्रमाण पत्र बनता है आपका, राज्य का निवास प्रमाण पत्र, जिले का निवास प्रमाण पत्र बनता है, पर नागरिकता कहाँ की है आपकी, भारत की।
ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, आप राष्ट्र के नागरिक हैं, राज्य के क्या हैं, निवासी मात्र हैं। अगली विशेषता की बात करूं तो भारत की न्यायपालिका एकात्मक है, सिंगल। फिर प्रश्न उठता है साहब, तो राज्यों में हाईकोर्ट होते हैं, हमने सुना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट, ये क्या है? तो ये राज्यों में जरूर स्थित है पर ये राज्यों के नहीं है ना। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था चलती है, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाईकोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन विधि एक ही समान है। इन हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कभी भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए एक ही हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, केवल मध्य प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। तो इनमें क्षेत्र बांट दिए गए हैं केवल, कि भाई इतने इतने क्षेत्रों के जो मामले हैं इस कोर्ट में जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो उसी राज्य के हो गए, वो केंद्र का है ना। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकात्मक। भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के माध्यम से कानूनों का बंटवारा किया गया है। हमने तीन सूचियां बना ली, केंद्र सूची मतलब इसमें हमने जो जो विषय रखे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको? केंद्र सरकार को। राज्य सूची, इसमें जो भी विषय रखे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। समवर्ती सूची, इसमें जो भी विषय रहे उनमें कानून बनाने का अधिकार दोनों, पर वरीयता किसको? केंद्र के कानून को, है ना। अगर कानून बनाया है दोनों ने उसी विषय पर तो वरीयता दी जाएगी केंद्र के कानून। आगे विशेषता की बात करें तो भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्रीय विधायिका अधिक शक्तिशाली है। जब हम केंद्र राज्य विधायी संबंध पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, तो आप देखेंगे कि केंद्र की विधायिका राज्य की विधायिका की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। उसको अधिक मामलों में कानून बनाने की शक्ति है, उसके कानून का जो क्षेत्र है वो राज्य विधायिका के क्षेत्र से अधिक है, उसको क्षेत्रायतित विधायन की भी शक्ति है, मतलब भारत के बाहर भी जो लोग निवास कर रहे हैं, जो भारतीय हैं, उन पर ये कानून लागू होता है, क्षेत्रातीत यानी क्षेत्र के बाहर भी उसके कानून लागू होते हैं, ठीक है, देखेंगे इसको डिटेल में। भारत में राज्यों के निर्माण व उसकी सीमा में परिवर्तन संबंधी समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास। अगर कोई राज्य बनाना हो, राज्य की सीमा को कम करना हो, राज्य की सीमा को ज्यादा करना हो, राज्य इवन राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। राज्य सरकार के पास इसके संबंध में कोई भी शक्तियां नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। जो चुनाव के पहले राज्य सरकारें कह देती हैं कि भाई अगर हम बने तो हम ये राज्य ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो राज्य सरकारों के पास वास्तव में शक्तियां नहीं होती है। पूरी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास शक्तियां नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। तो अगर प्रश्न आता है कि भाई एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों को व्यक्त कीजिए, तो ये सारे लक्षण आप बता देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भारत के संविधान निर्माताओं ने एक विशिष्ट प्रकार के शासन तंत्र का निर्माण किया, जिसमें मूल परिसंघीय लक्षण होते हुए भी अनेक एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से आलोचक इसे अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? तो फटाफट एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए। इसके संबंध में मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं, ताकि आप उन प्रश्नों को लिख सकें, ठीक है। तो फटाफट आप लोग पेन कागज उठा लीजिए, ताकि मैं आपको इसके संबंध में प्रश्न दे सकूं। लिखिए पहला प्रश्न। भारतीय संघ की प्रकृति को स्पष्ट करें, ठीक है। क्या सकता है आपको भारतीय संघ की प्रकृति को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न इसके संबंध में, भारतीय संघ में पाए जाने वाले एकात्मक लक्षणों का वर्णन करें। भारतीय संघ में पाए जाने वाले एकात्मक लक्षणों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न,
भारत में अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है, वर्णन करें। ठीक है, चौथा प्रश्न ये आ सकता है कि भाई भारत, अमेरिका और कनाडा की संघात्मक व्यवस्था का वर्णन करते हुए बतलाएं कि किस प्रकार भारतीय संघ की प्रकृति अमेरिका की भांति न होकर कनाडा की भांति है। ठीक है, चौथा प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि संघात्मक और एकात्मक प्रणालियों के मध्य के कुछ अंतरों को उल्लेखित करें, है ना। संघात्मक और एकात्मक के मध्य के अंतरों को उल्लेखित करें। तो जब संघात्मक, तो आपको बता देना है कि भाई दोहरी शासन प्रणाली चलती है, दोहरा संविधान होता है, दोहरा निर्वाचन होता है, दोहरी प्रशासनिक संरचना होती है, दोहरी वित्तीय संरचना होती है। तो जब एकात्मक के बारे में आया तो एकात्मक संविधान, एकल नागरिकता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दें। मतलब बहुत सिंपल सा है, इन्हीं चीज़ों को आपको डिस्क्राइब कर देना। संघात्मक में दोहरी चीज़ें बताना, एकात्मक में सिंगल चीज़ें आपको यहाँ पर वर्णित कर देना है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आप लिखने का प्रयास करें। शॉर्ट में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं इसका, तो देखा हमने यहाँ भारतीय संघ की प्रकृति देखी, जिसमें हमने देखा कि शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्य के मध्य है, लेकिन अधिक शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता के स्थान पर एकल नागरिकता है। ठीक है, संघीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान, दोहरा निर्वाचन, दोहरा लेखा परीक्षण, ये सब पाया जाता है। तो इसलिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो अर्धसंघात्मक पाई जाती है, या जिसे कई बार एकात्मक भी कह दिया जाता है। एकात्मक, पहले एकात्मक कहने के पीछे क्या क्या कारण कार करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि भाई भारत में अमेरिका की भांति स्वतंत्र देशों के समझौते से इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है, कि अमेरिका के राज्यों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के सभी जो राज्य हैं वो समझौते से जुड़े हैं, इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका की जो जिसे अमेरिका की राज्यसभा जिसे कहा जाता है ना, वहाँ पर हर राज्य से दो प्रतिनिधि चुन के पहुँचाए जाते हैं, चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। समान अनुपातिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, मतलब जहाँ समान अनुपात दिया जाता है, हर राज्य से दो दो सीनेटर पहुँचाए जाते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं, भारत में जनसंख्या के अनुपात में पहुँचाए जाते हैं। जहाँ से ज़्यादा जनसंख्या, जैसे यूपी की ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ से राज्यसभा सदस्य ज़्यादा है, जिन राज्यों की कम है तो उनमें कम है ना। तो वहाँ पर समान अनुपातिक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कुछ विशेषताएं देखी, जैसे कि भाई भारतीय संघ में शक्ति विभाजन केंद्र की ओर झुका है, केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 80-20 का लगभग रेशियो चलता है, कि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, कम शक्तियाँ राज्य के पास हैं। एकल संविधान पाया जाता है, संविधानिक में एकल संविधान पाया जाता है। एकल नागरिकता, सिंगल नागरिकता यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कि भारत में केवल व्यक्ति राष्ट्र का नागरिक होता है, राज्य का निवासी मात्र होता है। केंद्र सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची के माध्यम से कानूनों का बंटवारा किया गया है। राज्य की अपेक्षा केंद्र की विधायिका है वो अधिक शक्तिशाली है, केंद्र की कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली है। राज्यों के नाम, उनकी सीमा, इन सब में परिवर्तन भी केंद्र सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, भारतीय संघ की प्रकृति। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक में हम केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध हैं, प्रशासनिक, विधायी, वो वित्तीय संबंधों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके संबंध में आपको जो भी डाउट्स रहते हैं, आप नीचे जब लाइव चैट चलता है तो लाइव चैट के माध्यम से आप कमेंट्स बॉक्स में आपके डाउट्स डाल सकते हैं, मैं वहीं पर क्लियर करता जाऊंगा। और मैंने फिर कहा था कि पॉलिटी में अगर किसी शब्द में भी आपको दिक्कत आती है, शब्द का भी अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप उसका अर्थ पूछिएगा, क्योंकि संविधान एक ऐसा विषय है जहाँ आपको शब्दों के अर्थ पता होना जरूरी है। जब तक आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे
तो आपको फिर बाकी चीज़ें रटना पड़ेंगी, और रटने से कई बार काम बिगड़ जाता है ना। तो एक बार फिर से मैं स्लाइड चला देता हूँ, अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो रही हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज हमने टॉपिक देखा भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार की है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है या एकात्मक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की व्यवस्थाओं में हमने बांटा, संघात्मक जैसे अमेरिका, कनाडा और भारत, यहाँ संघात्मक चलता है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का यहाँ पर विभाजन चलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। एकात्मक जहाँ केवल केंद्र का शासन होता है, राज्य के पास शक्तियाँ नहीं होती हैं, यहाँ एक ही विधायिका होती है, एक ही प्रशासन होता है, एक ही वित्त होता है, एक ही न्यायिक व्यवस्था होती है, तो दोनों एकात्मक रूप से पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है और अमेरिका, कनाडा और भारत में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है ना। तो भारत की अगर प्रकृति की बात करूँ तो भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कहा जरूर जाता है कि भारत की जो प्रणाली है वो संघात्मक है ना, क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद एक पहला ही, जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें ही कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर एग्जाम में आता है कि भाई भारत की प्रकृति कैसी है, तो आपको टिक लगाना है अर्धसंघात्मक, है ना, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि ये निर्धारित करती हैं कि भारत की जो प्रणाली है वो संघात्मक ना होकर कैसी है, अर्धसंघात्मक। क्लियर है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इसके आगे हम केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंधों का अध्ययन करेंगे, तो आपको और अधिक क्लियर होगा कि भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार की है। थैंक यू।